इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप पीएफ अकाउंट ओपन कराए हैं तो ईवीएन जो आपका होता है कैसे एक्टिवेट करना है ऑनलाइन के माध्यम से, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। ईवीएन एक ऐसा आपका अकाउंट का जो कि नंबर होता है, जब तक इसको आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो पीएफ से जो कि पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। सारा प्रक्रिया आपको ऑनलाइन के माध्यम से बताने वाले हैं कि कैसे इसको एक्टिवेट करना है, तब जाकर आगे वाले स्तर जैसे आपको केवाईसी अप्रूव कराना होता है, केवाईसी अपडेट करना होता है, लेकिन केवल आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ईवीएन को एक्टिवेट आपको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, क्लिक करके आप आ जाइएगा। यहाँ पे आपको लिखा गया है एक्टिवेट ईवीएन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो तरीका से ईवीएन नंबर को एक्टिवेट किया जाता है। एक आपको डायरेक्टली जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है पीएफ अकाउंट के लिए, जो आपको पे स्लिप आपको दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको ईवीएन नंबर भी लिखा होता है, कभी कभार आपको मेंबर आईडी देखने को मिलता है। तो अपना पे स्लिप पर देख लीजिएगा, या आपको ऑलरेडी पता होगा, मोबाइल पर मैसेज भी आया होगा। अगर ईवीएन नंबर होगा तो ईवीएन नंबर को सिलेक्ट करिएगा, अगर आपके पास मेंबर आईडी होगा तो मेंबर आईडी को सिलेक्ट करिएगा। मेरे पास ईवीएन नंबर है, मैं ईवीएन नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ। आधार कार्ड का नंबर लिखना है उसी आदमी का, जिस आदमी का आप इसमें एक्टिवेट कर रहे हैं ईवीएन नंबर। यहाँ पे नाम लिखिएगा जो उनके आधार कार्ड में होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से इनके पे स्लिप में, यानी ईवीएन नंबर जिस आदमी के एक्टिवेट कर रहे हैं, आधार कार्ड में नाम आपका वही होना चाहिए और पे स्लिप पर वही नाम आपका होना चाहिए। अगर नाम में अंतर होगा तो आपका केवाईसी बाद में जब अपडेट करिएगा तो आपका केवाईसी जो कि अपडेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आधार कार्ड में नाम है उसको यहाँ पे लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपका होगा आधार कार्ड वाला, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आपका ईयर यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मंथ इसमें सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको डे इसमें सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको लिख लेना है, ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर आपको वही लिखना है जिस आदमी का ईवीएन एक्टिवेट कर रहे हैं, कस्टमर के या किसी का भी, वो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। कैप्चा आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखकर टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और गेट ऑथेंटिकेशन पिन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे लिखकर वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेशन ईवीएन पर क्लिक करना है। ईवीएन हैज बीन एक्टिवेशन सक्सेसफुली हो गया है, डिफॉल्ट जो आपको पासवर्ड है रजिस्टर मोबाइल पर भेज दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो इसका पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लीज अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, जो मोबाइल पर फिलहाल टेम्पररी पासवर्ड आपको एक भेजा गया है। चलिए मैं इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा गया है होम, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे ईवीएन नंबर लिख लेना है, जो पासवर्ड आपको टेम्पररी भेजा गया है उसको लिख लेना है। कैप्चा आपको यहाँ पे लिखकर साइन इन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जब लॉग इन करेंगे चेंज पासवर्ड करने के लिए, तो यही आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड जिस प्रकार से मैं लॉग इन किया था, वही जो आपके मोबाइल पर टेम्पररी पासवर्ड आया है उसको यहाँ पे ओल्ड में लिख लीजिएगा, और नया जो कि अपने मन से बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ओटीपी के टाइप में जैसे अपना नाम या कुछ अक्षर लिखिएगा, स्पेशल करेक्टर स्टार है सेमी कॉलर डॉलर, या आपको एक दो तीन जिस प्रकार होगा अपना न्यूमेरिक लिख लीजिएगा, क्योंकि यह एक्टिवेट करने के लिए पासवर्ड कुछ न्यूमेरिक वर्ड का आपको इस्तेमाल किया जाता है, जो हाई प्रोफाइल का आपका पासवर्ड बनाया जाता है। यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। इसमें जब आपको एक्टिवेट हो जाएगा तो ऑन टाइम आपको स्क्रीन पर बताएगा कि आप चाहे तो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल पर जिस प्रकार से ईवीएन नंबर के साथ साथ एक डिफॉल्ट पासवर्ड आया है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको लॉग इन करके दोबारा से चेंज सर्विस में जाकर चेंज पासवर्ड पर भी क्लिक करके आप पासवर्ड चाहे तो इसका चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अब आपको नेक्स्ट प्रोसीजर होता है केवाईसी करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उड़ा शर्मा फिल्म के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।